हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने घर पे ही वैक्सिंग आप कैसे कर सकते हो बिल्कुल पार्लर के जैसा, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आज आपको अपने हाथों पे वैक्सिंग करना बताऊंगी। तो आप देख सकते हो मेरे हाथों पे ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वैक्स हीटर। मैं यहाँ नोवा का वैक्स हीटर यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद में आपको चाहिए वैक्स। मैं यहाँ चॉकलेट वैक्स ले रही हूँ जो कि पर्ल का है। इसके बाद आपको चाहिए एक स्पैचुला। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्पून का जो पीछे का हिस्सा होता है उससे भी कर सकते हो। फिर चाहिए स्ट्रिप्स। सबसे पहले हम वैक्स हीटर में वैक्सिंग डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। वैक्सिंग करने से पहले आप है ना अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना। मैंने इसको ऑन कर दिया है और वैक्सिंग देख सकते हो आप, वैक्स पिघल रही है। आपको इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आपको बिल्कुल इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी करनी है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको सबसे पहले पाउडर अप्लाई करना है अपने हाथ पे। अगर आपको पाउडर सूट होता है तो पाउडर यूज़ करें, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको अपने हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये वैक्स लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगानी है। फिर जो स्ट्रिप्स का जो रफ एरिया होता है वहीं से ही आपको वैक्स करनी है। रफ एरिया को आप अपने वैक्स पे ऐसे अप्लाई कर लो और अच्छे से इसे दबा के एक ही झटके में आपको निकालना है इसे। देखिए कितने अच्छे से हेयर निकल आए हैं। आपको एक ही झटके में निकालना है इसे, धीरे से नहीं निकालना है, थोड़ा तेज ही निकालना है इसे, अच्छे से रब करके निकालना है। आप इसी तरीके से पूरे अपने हैंड्स पे ऐसे वैक्स कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि आपके हेयर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स अप्लाई करनी है। देखिए पूरे हेयर्स अच्छे से निकल चुके हैं। अब मेरे इस हिस्से पे जिस डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में हेयर्स हैं, तो मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी इसे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं पुल करूँगी। आपको सेम ही प्रोसीजर अपनाना है, आपको उल्टा फुल्टा नहीं करना है, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हेयर्स निकल चुके हैं एक ही बार में। वैक्सिंग थोड़ी पेनफुल तो होती है, पूरे हैंड्स पे अच्छे से वैक्स करने के बाद में मैंने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लिया है, या आप चाहे तो गीले कपड़े से इसे पोंछ भी सकते हो। और इसके बाद में मैं इस अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। आप चाहे तो अपना बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं एलोवेरा जेल ज़्यादा प्रिफेर करती हूँ। एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन को सूदिंग देगा, ये कूलिंग इफ़ेक्ट देगा आपकी स्किन को। अच्छे से मसाज करनी है इसे। देख सकते हो मेरे हैंड्स कितने स्मूथ हो चुके हैं। तो देखा आपने कितना इजी था घर पे वैक्स करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें।